नमस्कार, मैं दिव्या धरद। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े मानहानि के मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीबीसी को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने कानून मंत्रालय के माध्यम से बीबीसी को समन किया है। कोर्ट ने कहा है कि बीबीसी एक विदेशी संस्था है, ऐसे में बीबीसी को कानून मंत्रालय के माध्यम से नया समन जारी कर रहे हैं। सीजीआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के योगदान की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुरारी ने अपना अदालत का संचालन बड़े ही शांति और विनम्रता की भावना के साथ किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुरारी एक ऐसे विनम्र शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन कानून और इससे प्रभावित लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। श्रीलंकाई संसद अध्यक्ष ने आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। सांसद ने कोलंबो और दिल्ली को एक दूसरे का भरोसेमंद मित्र बताया है। बता दें कि पिछले आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत कई क्रेडिट लाइनों और मुद्रा समर्थन के माध्यम से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुआयामी सहायता प्रदान की थी। वेदांता लिमिटेड अपने सहयोगी फर्म ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सेबी ने वेदांता पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जरूरी जानकारी को बताने के नियमों के उल्लंघन में लगाया गया था। वेदांता ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ वेदांता ने साझेदारी की है, इस बात के संकेत थे, जबकि यह सौदा वेदांता की होल्डिंग कंपनी के साथ हुआ था। सेबी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया था। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान 3 को लॉन्च करने को लेकर बीते 4 सालों से गुपचुप तरीके से काम हो रहा है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर लैंड करने के बाद उसके पर्यावरण का अध्ययन करना है। इसके लिए इसरो ने एक रोवर को तैयार किया जो चंद्रमा पर लैंड करने के बाद खास जानकारी के साथ वहां की तस्वीरें सामने लेकर आएगा। चंद्रयान 2 का नेतृत्व करने वाले और चंद्रयान 3 की तैयारियों का निरीक्षण करने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान का कहना है कि इस अभियान में 100% सफलता प्राप्त होनी। सरकार की तरफ से गेहूं, आटे और चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ओपन मार्केट में एफसीआई ने लाखों टन गेहूं की नीलामी की थी, इससे गेहूं और गेहूं के आटे का रेट नीचे आ गया था। अब सरकार एक बार फिर से गेहूं और आटे की कीमत पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की 12 जुलाई को होने वाले तीसरे चरण की ई नीलामी में बफर स्टॉक से थोक ग्राहकों को 4.29 लाख टन गेहूं और 3.95 लाख टन चावल बेचेगा। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने पर तुली है, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस से तनाव होने के बावजूद पार्टी उसे पूरी तरह से दूरी नहीं बना पा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, पंजाब समेत राजस्थान में भी एक दूसरे को घेरते नजर आते रहे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता मामले में केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है। हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स और बूथ पर होने वाली भीड़ को कम करने व लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने फास्ट टैग शुरू किया। इसके साथ ही हाईवे पर बिना रुके आराम से लोगों का सफर होने लगा। एक सही राशि ऑटोमेटिकली टोल के तौर पर आपको बैंक अकाउंट या फिर ई वॉलेट के जरिए कटने लगी। फास्टैग के कई फायदे हैं और इसी के चलते इसको देश में अनिवार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को अगस्त 2023 से पहले करीब 32,000 शिक्षकों पदों के लिए नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट से नौकरी के बदले नगद घोटाले से संबंधित मामले पर जल्द से जल्द फैसला करने के लिए कहा है। पुलिस ने 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिसके कारण ट्रेन दुर्घटना हुई। कर्मचारियों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। उन्हें कुछ कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को पता चला है कि जिन रेलवे कर्मचारियों ने कुछ गलत किया था उन्हें सबूत छिपाने की भी कोशिश की थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें कोर्ट ले जाया गया और सीबीआई उन्हें अपनी हिरासत में रखने के लिए कहेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर को चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस ने 30 जून को एक विशेष अदालत को अपनी चार्जशीट सौंपी जिसमें कहा गया कि प्रदीप कुरलकर ने पाकिस्तानी महिला खुफिया ऑपरेटर के साथ भारत के मिसाइल, ड्रोन और रोबोटिक्स कार्यक्रम से संबंधित जानकारी साझा की है। देश भर में अगले 2 साल में पेट्रोल पंपों पर 20% एथनॉल मिश्रित ईंधन यानी E20 मिलने लगेंगे। पहला E20 स्टेशन इस साल 8 फरवरी को शुरू हो गया है। यह लक्षित समय अप्रैल से पहले था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 20% एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए 2025 तक पूरे देश में विशेष पेट्रोल पंप होंगे। मालूम हो कि E20 ईंधन में पेट्रोल में 20% एथनॉल का मिश्रण होता है।
देश की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने राइट्स इश्यू के जरिए 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के राइट्स इश्यू लेने और कंपनी में इक्विटी डालने की संभावना है। बता दें कि सरकार इस तेल कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष पर रिलीज के साथ ही विवाद हो रहा है। फिल्म के डायलॉग्स को दर्शकों ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। डायलॉग्स की जमकर आलोचना हुई और सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को खूब ट्रोल भी किया। ट्रोलिंग के बाद अब मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं स्वीकार करता हूँ, फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। बीसीसीआई ने सितंबर 2023 में चीन के हांगजू में होने वाले एशियन गेम्स में पुरुष और महिला टीमों को भेजने का ऐलान किया है। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई ने ट्वीट करके दी है। वहीं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के साथ एशियाई खेलों का शेड्यूल ओवरलैप हो रहा है। इस ओवरलैप को देखते हुए बीसीसीआई वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेने वाले खिलाड़ियों के अलावे एशियाई खेलों में खेलने के लिए टीम का चयन करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम शिरकत करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 21 खालिस्तानियों के नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। एनआईए की वेबसाइट पर इन खालिस्तानियों के नाम के फोटो के साथ डाले गए हैं। इस लिस्ट में लखबीर सिंह लंडा, मनदीप सिंह, सतनाम सिंह, अमरीक सिंह समेत कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के नाम शामिल हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में आई भारी गिरावट के बाद बांग्लादेश के दो प्रमुख बैंकों ने भारतीय रुपए में व्यापार लेनदेन शुरू करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी बैंकों का भारतीय रुपए में कारोबार करने का फैसला डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है। धर्म संसद करने वाले यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया क्योंकि उन्होंने संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, मांगी गई राहतें इतनी व्यापक हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एस के कॉल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से संबंधित और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए राज्य उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस साल की शुरुआत से ही चर्चा में है। बता दें कि इसी बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में AI के कारण नौकरियां छीनने की आशंकाओं को गलत बताया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि AI कार्य केंद्रित है और यह मानव व्यवहार की नकल करते हुए कार्यों को अधिक कुशल बनाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर खेद है। 1999 में मैंने सुना था कि कैसे कंप्यूटर दुनिया को खत्म करने जा रहा है। फिर मैंने सुना कि AI हमारी नौकरियां खत्म कर देगा। कुछ लोग होते हैं जो किसी भी आविष्कार का सबसे खराब परिदृश्य देखते हैं। AI हमारी नौकरियां छीन लेगा जैसी बातें बकवास हैं। देश के 10 से ज्यादा राज्य जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इन्हें सिंगल चाइल्ड नहीं मान रही थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड मान ही लिया। इसमें पूरे 27 साल लग गए। यह अजीब विडंबना है कि जुड़वा बच्चों को देश की तमाम अदालतें सिंगल चाइल्ड मान चुकी हैं। केंद्र सरकार भी इसी आदेश को लागू कर चुकी है। कांग्रेस ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। कानूनी ही नहीं पूरी ताकत से राजनीतिक लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी ने कहा कि संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी राहुल गांधी के सच की निडर आवाज़ से परेशान केंद्र की भाजपा सरकार उनकी आवाज़ दबाने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने के साथ साजिशें कर रही है। देश में फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए GST एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। इस बार GSTN ने फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए GST पंजीकृत व्यवसायों के 1.8 करोड़ पता को जियो कोड करने का फैसला किया है। GST के मुताबिक इससे पंजीकृत इकाई के सटीक स्थान का पता लगाने और फर्जी पंजीकरण का पता लगाने में मदद मिलेगी। जल्दी भारत में 24 घंटे और 7 दिन वर्चुअल अदालत लगेगी, जहां पर ट्रैफिक चालान के अलावे भी कई मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। वर्तमान में यह वर्चुअल अदालत केवल ट्रैफिक चालान का मामला ही देखती है। विधि मंत्रालय ने इस विषय पर व्यापक शोध अध्ययन के लिए न्यायिक अकादमियों, कानून विश्वविद्यालय, IIM और IIT से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना वारंगल में 6,100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और भारत के इतिहास में तेलंगाना के लोगों की प्रशंसा की है। PM मोदी ने कहा, तेलंगाना राज्य भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना और उसके लोगों का योगदान हमेशा महान रहा है। रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो तेलंगाना के लोगों की भूमिका महान रही है। PM ने आगे कहा, ऐसी स्थिति में जब दुनिया भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है, बढ़ते भारत को लेकर लगातार उत्साह है, तेलंगाना के लोगों के लिए अनंत अवसर है। उन्होंने कहा कि आज के नए भारत का प्रतिनिधित्व युवा भारत कर रहा है, यह भारत ऊर्जा से भरपूर है।
किसी भी तरह की जमीन अथवा प्रॉपर्टी को खरीदना आज एक आम बात हो गई है। ज्यादातर लोग अपने हिसाब से घर बनवाने या फिर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जमीन खरीदते हैं, क्योंकि जमीन का भाव निरंतर बढ़ता रहता है और यह एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी समय नष्ट नहीं होती है। लेकिन अक्सर लोग जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है किसी भी तरह के जमीन को खरीदने से पहले उस वक्त जमीन से संबंधित सभी तरह के नए एवं पुराने दस्तावेजों की जांच कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार के विवाद या फिर नुकसान ना उठाना पड़े। बांग्लादेश की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए दो बांग्लादेशी बैंक भारतीय रुपये में कारोबार लेनदेन शुरू करने की योजना बना रहा है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता कम करने पर विचार कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश की मुश्किलें कम हो सके और कंगाली से बाहर आ सके। अमेरिकी विशेष दूत उजरा जिया अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान जिया वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वैश्विक चुनौतियों के साझा समाधानों को आगे बढ़ाने, लोकतंत्र, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय राहत पर सहयोग सहित अमेरिका भारत साझेदारी को गहरा और स्थायी करने पर चर्चा करेंगी। पीयूष गोयल ने ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि निम्न मानक और गुणवत्ता वाली तथा सस्ती वस्तुओं के उत्पादन या खपत को रोकने के लिए गुणवत्ता जांच और गुणवत्ता नियंत्रण शुरू कर रहे हैं। यह उत्पाद हमारे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचाने के साथ हमारे देश की प्रतिष्ठा और छवि को हानि पहुँचाते हैं। भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नामों की सूची में ज्योति बसु एक प्रमुख नाम है, जिनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। पढ़ाई के दौरान ही कम्युनिज्म की ओर आकर्षित रहे और पेशे से बैरिस्टर रह चुके बसुदा को कॉलेज और इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में गहरी रुचि हो गई थी। बाद में उन्होंने देश में कम्युनिस्ट के अनुशासित सिपाही की तरह राजनीति की और 22 और 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे। एक समय उन्हें भारत का प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें आज भी बंगाल का लॉ प्रूस कहा जाता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत यादव, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद अंसारी, दीपक कुमार। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आदि पुरुष फिल्म पर हो रहे विवाद को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।